रोटी कट गया और रोटी खाने की टिकी था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोना रोना नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक के लिए परेशान था, दो इसके पास आ गई है। अब कितने टाइम तुम उसका किराया नहीं देगा? 3 साल बाबा जी, 3 साल उसका किराया भी नहीं देगा। कितना किराया देता ना? मैं 2000 देता ही, तो होना मैं किराया लाया करना बाबा जी। हाँ, पहले किराया देता था, ये किराया उल्टा लेगा उनसे। देख लो परमेश्वर कैसे बड़े काम करता है। हालेलुया, इस ब्रदर का नाम परमय और जे सोर्सिंग गांव के रहने वाले हैं चुबार रोड, और जे भाई बता रहे हैं कि जो इनकी शॉप है कॉस्मेटिक की है, और 2.5 साल हो गए कि वो रेंट पर थी, और जे बता रहे हैं कि वो शॉप बहुत अच्छे से परमेश्वर ने ब्लेस कर रहे थे, बहुत सारी जे बता रहे हैं कि परमेश्वर ने आशीष थी, ब्लेसिंग दी थी, और जो बता रही है कि जिसके कारण जो काफ़ी परमेश्वर में बढ़ रहे थे, बहुत खुश थे, और 2.5 साल हो गए थे जो इनकी शॉप बहुत अच्छे से चल रही थी, और जो बता रही है कि जिनसे इन्होंने जिस मालिक की जो शॉप थी, और जो बता रहे हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत थी, तो जिसके कारण उन्होंने अपनी शॉप गहने पर किसी को दी थी, तो अभी जिसके पास सब शॉप थी जो इनसे किराया ले रहे थे, तो उन्होंने इनको बोल दिया था कि जो आप 1 साल से वो इन्हें कह रहे थे कि आप शॉप को खाली कर दो, क्योंकि हमें जो पैसे आप हमें दे दें और शॉप ओपन करें, जो भी आपने अपना सामान रखा है वो खाली कर दें, और आप कहीं और अपनी शॉप अपनी दुकान देख सकते हो। तो जिसके कारण से भाई बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि इनका वहाँ बहुत अच्छे से काम चल रहा था, 2.5 साल तो हो गए थे, और जिसके कारण इनका मन नहीं था, और जे परमेश्वर के आगे जैसे प्रार्थना तो कर रहे थे, पर जब भी वो भाई ने बोलता था कि आप दुकान को खाली कर दो और जो भी पैसे हैं तो वो आप हमें दे दीजिए, तो जे बता रहे हैं कि जे काफ़ी परेशान थे, और जिस मालिक की जो शॉप थी वो भी इनके साथ ही था, पर उसने इनको बोला कि जो भी जी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अरेंजमेंट करें, ताकि ये जो दुकान है वो आपको दे देंगे हम, पर इनके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि उनको 10 लाख रुपए चाहिए थे, तो उन्होंने बोला था कि आप सारी जितनी भी उनकी दुकान है वो सब ले सकते हो, पर इतने पैसों का लिए अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, तो जो काफ़ी परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जो बता रही कि इसके लिए जो काफ़ी बार परमेश्वर के आगे भी जा रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, पर इनका मन नहीं बन रहा था, इनसे प्रेयर भी नहीं हो रही थी, और इनका विश्वास भी उस अनुसार नहीं बन पा रहा था। फिर इन्होंने पर्सनल परमेश्वर के दास के साथ जब भी जो मीटिंग करते, तो परमेश्वर के दास इन्हें टीच करते, उत्साहित करते कि परमेश्वर ने आपके लिए अगर आपको ब्लेस किया है, तो निश्चय परमेश्वर को, परमेश्वर आपको जो शॉप दे चुके, आप ऐसा विश्वास दे, धन्यवाद गए, और अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे। तो जब बता रहे हैं कि जो सीख भी लेते थे, पर फिर भी इनका मन जो था परेशान हो जाता था, जैसे कि क्लीसिया परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने परफेक्टिक वर्ड दिया था कि जब भी प्रभु बोस की मीटिंग होगी, तो हफ्ते में एक हफ्ते की प्रार्थना होगी चर्च भवन में। तो जैसे कि जो वचन तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिया था, पर जे भाई इस वचन को पूरा नहीं कर पाए, जे मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, जैसे कि फरवरी से स्टार्ट थी प्रार्थना, और अभी मई मंथ तक प्रार्थना हो रही थी एक हफ्ते में, जब भी प्रभु भोज होता उसके बाद, पर इनसे मीटिंग अटेंड नहीं हो पाई, जे प्रार्थना में नहीं पहुंचे, तो फिर से परमेश्वर ने अपने दास को परफेक्टिक वर्ड दिया कि जो लोग प्रार्थना में नहीं पहुंचे, वो फिर अपने मन को फिराएं और बुधवार की वेडनेसडे की मीटिंग को अटेंड करें, और जितने लोग अपना मन फिराएंगे और वेडनेसडे की मीटिंग को अटेंड करेंगे, जितने लोगों ने मई मंथ की जो एक हफ्ते की प्रार्थना है उन्होंने अटेंड नहीं की, तो वो अटेंड करें। तो जैसे फिर इन्होंने मन बनाया, अपना मन फिराया कि परमेश्वर जो वचन आपके दास के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर आपने दिया था, पर हम पूरा नहीं कर पाए, पर अब जो आपने वचन दिया कि अपना मन फिराओ और बुधवार की वेडनेसडे की मीटिंग अटेंड करो, तो जैसे इन्होंने घर से प्रार्थना की और वेडनेसडे की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, और जब बता रहे कि उस दिन ही जब से ब्रदर परमेश्वर के दास के साथ मिलकर गए, फिर से इन्होंने अपनी से बात को बताया कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, तो उसी दिन ही परमेश्वर के दास के द्वारा इनको ब्लेसिंग वर्ड दिए गए कि आप विश्वास से अपने घर जाएं और परमेश्वर को बोलना कि परमेश्वर मेरे आगे हो, मैं आपके पीछे हूँ, और जो भी वहाँ पर जो कुछ भी होगा, जैसे भी
जो दुकान के मालिक हैं जो बात करेंगे, तो परमेश्वर आप सब कुछ जानते हो। और जैसे इन्होंने इस वचन को बोला और परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, तो जो बता रहे जब इनकी बात फिर से मालिक ने इनको बुलाया और बात हुई, तो परमेश्वर ने उसका मन बदल दिया और उन्होंने बताया कि जो जितने भी पैसे होंगे मैं आपके मैं दे दूंगा और जब आपके पास होंगे तो आप मुझे देना। तो जो बता रहे हैं कि जो पैसों की इनको जरूरत थी, तो इन्होंने फिर प्रार्थना की और जो बता रहे कि अब वो शॉप के साथ परमेश्वर ने इस ब्रदर जी को ब्लेस कर दिया और जितने पैसे इनको चाहिए थे 2 लाख रुपया उसका भी परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया। और आज ये भाई बहुत खुश है क्योंकि आज जो शॉप है इनके पास है, जो कि हर मंथ इन्हें किराया देना पड़ता था, आज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने इनके सारे बोझ को सुनो माइक दो इन जैमसी भाई जैमसी भाई जैमसी सारे क्रिश्चियन जैमसी बोल रहे हैं जी। सुनो, कब से वो दुकान वाला कब से आपको बोल रहा था कि खाली कर दो? 1 साल से पापा जी। 1 साल से? हाँ जी, वो बोल रहा था कि खाली करो खाली कर दो। तो फिर तेरे मन में क्या विचार आते थे? फिर विचार आते कि वहाँ कितने मतलब वहाँ कितने कम सेट है। कब से तूने दुकान को शुरू किया, कितना टाइम हो गया? 2.5 साल हो गए दुकान चली। 2.5 साल हो गए हैं। हाँ जी, मतलब तुम कह लो कि इसका वहाँ पे पंजाबी में कहते हैं ना अड्डा सेट हो गया अभी वहाँ पे, है ना? हाँ जी। तो अब वो बोल रहा है कि 1 साल से इसे खाली कर दो, पर ये 1 साल से परेशान था। बोलो क्या था? 1 साल से ये परेशान था। ये जब भी वो कहता था सख्ती से कि नहीं बस दो चार दिन में, हाँ हफ्ते में मुझे खाली चाहिए, तो मैं फिर से इसे उत्साहित करता था, बोलता नहीं कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तेरे साथ है, जा। बोलोगे जब मैं ऐसे बोलता था तो ये एक अच्छी चीज है कि जी उस वचन को लेकर अपनी जो चिंता फिर वो छोड़ देता था, क्यों जी? हाँ जी बाबा। कई लोगों को मैं वचन दूं भी ना तो वो फिर भी चिंता करते हैं, ये होती शारीरिकता। हाँ जी, ये ऐसे नहीं करता था, ये अपनी चिंता छोड़ देता था। क्या देता था? तब फिर मालिक चुप करता। पर हुआ क्या, अब 1 साल तो निकल गए, पर 1 साल के बाद अब उसने कहा कि हाँ तुम बताओ थोड़ा आपने मुझसे। पापा जी फिर उन्होंने कहा कि तू हूँ मतलब कि खाली कर दे, मैं तेनों किसाल हो गया वा कह दे तो, पर हूँ तेनों करनी पैनी है, मैं मिस्त्री लाने दुकान अपना मकान बनाना वा, तो मैं दुकाना इधर करनी मेरे सामने दुकाना उन्होंने, तो कहता मैं दुकाना तो शिफ्ट करके तो मैं मकान बना वा, दुकाना बना अपनिया, तो तू होर कित वेख ला दुकान, तो होर कित दुकान भी नहीं हैगी कोई पापा जी। तो एक तुम पास 1.5 साल तो दुकान सैट करद लग जाते हैं, तो हूँ महा दुकान सैट हुई, काम सैट होया वा, तो बड़ा औखा है। तो हूँ मैं कहता कि मतलब कि जे तू ना खाली की 1-2 दिन तो मैं जिंदरा ला देना वा, इतना कर देना वा, तो जा मैं पैसे दे दो इन्ने वापस कर दो। कितने पैसे मांगता था? 10 लाख रुपया उस दुकान का तुमसे 10 लाख मांगता था? 4 दुकाना है पापा जी उन्होंने को कहना है। हाँ, 4 दुकाना है। 4 दुकाना सी? हाँ जी, 4 का 10 लाख रुपया उन्हें गहने च दिता है। अच्छा, गहने में दिता? हाँ जी, 2 साल का टाइम है, तो 6 महीने वो रह गए ही, तो मुड़ के बाद में फिर मैं अपने मालक नाल गल की कि मैं क्या इदा मैनू कह दे, वह भी कहता कि भला आपां नूं हुण कुछ नहीं कर सकते, तो तू दुकान वेख ला पहला, उन्हें मैनू इवें कहा कि दुकान वेख ला। जो पहले वाला मालिक जिसने दुकानी उसे आगे किसी को गिरवी मतलब गहने के रखी थी? हाँ जी बाबा जी, तो उन्हें मैंने कहता कहता तू दुकान वेख ला हूँ, तेन छड़नी पैनी दुकान, अपने को पैसे नहीं गए हाले, तो 6 महीने टाइम पिया वा, तो मैं 6 महीनों पैसे करके मैं दे दें, तो मैं फिर आ गया वापस। फिर मैं बुधवार की मीटिंग आया था। सुनो, ये बड़ा परेशान था। बोलो क्या था? ये बड़ा सोच रहा था कि अब तो बस खत्म है, हाँ अब तो दोनों ने मना कर दिया, अब खत्म कहानी मेरी। पर मैंने कहा इसे समझाया कि देख परमेश्वर अपना वचन हमें क्यों दे रहा है, इस मंडली के लिए खुदावंद क्यों वचन दे रहा है। कितने मेरी बात समझ रहे? अगर तुम आत्मिक हो, तुम्हारे पास बुद्धि भी है,
तो तुम फिर उसे पूरा करोगे, तुम पकड़ोगे और पूरा करोगे। तो मैंने इससे पूछा कि जितनी फरवरी महीने से लेकर ये जितनी भी एक हफ्ते की प्रभु भोज की जो मीटिंग के बाद जो प्रार्थना होती है एक हफ्ते की, तू कभी उसमें आया? कहता नहीं, कभी नहीं आया। मैंने कहा क्यों नहीं आया? ये चुप, थोड़ा सा टाइम नहीं पापा जी, ये वो। हाँ, टाइम नहीं लगा रहा, टाइम नहीं लग रहा। मैंने कहा अगर तूने ये मेहनत की होती तो आज इतना भूस, इतना सोच, परेशानी ना तुझे उठानी पड़ती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना कर, परमेश्वर ने जो लोग नहीं कर पाए उनको एक मौका दिया है। क्या दिया बोलो? एक मौका दिया है कि वो बुधवार को आकर उस पूरे हफ्ते का एक दिन आकर उस पूरे हफ्ते की आशीष उसमें ले लो। क्या ले लो? हाँ? तो इसने अपने मन को धीन किया और उस बुधवार को आया, जो स्पेशली उस दिन एक हफ्ते की प्रेयर के बाद वो रखा था दिन। तो ये मन को धीन करके अपना काम धंधा छोड़कर आया ना, तो उस दिन सारा दिन हमारे साथ 4 बजे तक प्रेयर में रहा। क्या रहा बोलो? और जब रहा तो यहाँ पे जब जो प्रेयर की समाप्ति हुई तो ये मुला मुझसे मिला, तो मैंने कहा कि हाँ, ये कहता पापा ये प्रार्थना कर दो। अब वो फिर से बंदा चुप हो जाए। मैंने कहा कि जा, आज से ये तेरा केस खुदा लड़ेगा। तूने बस बोलना परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे आगे तू है और मैं आपके क्या हूं। कैसे कहा था? मैं क्या हूं आपके? हाँ जी, पीछे हूं, पीछे हूं। हाँ, और मेरे मेरा मुकदमा लड़ने वाले तुम हो, आप हो परमेश्वर। मेरा मुकदमा लड़ने वाले आप हो, आप हो, आप मेरे आगे और मैं क्यों हूं पीछे। अच्छा, फिर जब ऐसे जब मैंने सिखाया, हाँ जी भाई, मैं अमर सेव किया जाके जो मैंने फोन आया, मैं उस दिन दोपहरे में अरे रोटी खा गया, मैं रोटी खा जी नहीं किया। हाँ, क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोना रोना नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसने उस दुकान को बड़ी मेहनत से बनाया है। तो एकदम से किसी की मेहनत पर पानी फिर जाए, मेरी बात समझ रहे हो? तो बड़ी मेहनत से इसने उस दुकान को स्टैंड किया है ना। तो ये बेचारा सोच रहा था मैं क्या करूंगा। हाँ, मेरे पास तो और कोई काम का कोई सोर्स नहीं, मैंने तो कोई काम सीखा नहीं, अब मैं कहां पर जाऊंगा, मेरा तो सारा बनाया बनाया सर्कल सारा खराब हो जाएगा। तो ये परेशान था, पर क्या किया? चल बता लोगों को क्या किया खुदा ने। फिर जब मैं ऐसे ही खुदा ने सिखाया उस दिन आपको, पापा क्या मैं बच्चों नेक्स्ट डे नहीं फ्राइडे वाला दिन, ते उस दिन गल होनी, ते मैं घर आया अपने, ते रोटी लड़के मैं दुकान ते खाना हुंदा सी, मैं घर आ गया रोटी खाना, ते मैं क्या कर रोटी मेरा रोटी खाने जी नहीं करांदा मम्मी मेरा, ते मम्मी कहंदी सी डैडी भी कहंदा कि टेंशन कर तू लैणे आ, मैं तू तू जिथे जाना वा जींदा झगदा परमेश्वर आ तेरे नाल आ। मैं प्रार्थना तो बह गया, मैं बहुत रिसीव किया, मैनू कोई बात नहीं, बोल बोल। हाँ, क्योंकि ये टूटा हुआ था ना, पूरा टूट चुका था ये, बोल गया था। हर दिन अपनी रोटी दुकान पे खाता, पर उस दिन ये उदास था, ये घर आ गया। क्या आ गया? तो इसके फादर ने कहा कि इतना तेरा बड़ा परमेश्वर है, उसके आगे क्या करे, है ना, क्योंकि ये उदास था ना। फिर इसने सारा कुछ जो सीखा था उसको लिया, फिर याद किया उस वचन को। हाँ जी पापा, मैं रिसीव किया, तो मैं रोटी खा के ते दुकान ते आ गया वा, ते मैं 10 मिनट बैठा दुकान ते, मैनू फोन आ गया दुकान वाले का कि हाँ भाई अज दादी ने मना चलिया कुछ किया नहीं, क्योंकि इसका टाइम था फ्राइडे, बस शुक्रवार तक इसके पास टाइम था, इसके पास कोई पैसों का अरेंजमेंट नहीं, कोई नहीं है, तो बस। तो क्या किया फिर एकदम से परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया? तो मैं उस दिन बाद चो फिर मैं रोटी खा के मैं प्रार्थना बह गया, मैं
प्रार्थना जिस तरह ही मैं परमेश्वर ने तेरे गाड़ी सारा कुछ अपने शो भी तेनों सौंपदा तू जिवें करेंगा वधिया करेंगा तेरी मर्जी पूरी हो मेरी जिंदगी तो मैं उवें फिर दुकान पर आ गया तो मैंने फोन आया तो कहता टाइम अज का भी लंघ चलिया वा शामा पै गया तो दस्या नहीं कुछ तो फिर मैं अज जिंदरा ला देना दुकान पर जे तू अज ना कुछ किया तो मुड़ के बाद चो फिर मैं बह गया फिर मैं प्रार्थना लग पाया मैं नौ निंदे प्रार्थना करते करते मैं फोन आ गया दुकान वाले का मालिक ही जरा वह फोन आ गया मैं कहता घर आया कितने आवा मैं दुकान पर हाँ तो मैं क्या मैं फोन कर दिया कहता मैनू भी आया वा तो तू घर आया तो मैं चल गया वो घर गलबात करद मुड़ के बाद चो उन्होंने भी बुला लिया गलबात करते करते उन्हें बड़ा कहा कि ना इदा मुंडे को कह दुकान वालों कि तेरा 6 महीना टाइम हैगा वा तू अपना घर चलाई चल मिस्त्री लाने तू ला ला तो नाले अपना चलाई चल पर कहता नहीं मेरा दो गल्लां वा जब पैर रख दो जब दुकान ही खाली खाली कर दो तो परमेश्वर ने उत्थे 2 मिंटां विच उहदा मन खोलिया दुकान दुकान किस चीज की थी आपकी ये भी बताओ कॉस्मेटिक दी कॉस्मेटिक की हां जी बप्पा जी हां ते उसे टाइम उस बंदे दा परमेश्वर ने मन खोलिया मैनू कहिंदा तुसीं 2 मिंट रुको फिर इत्थे मैनू नाल लै गया घर अपने उहने अलमारी खोली ते पैसे कढे कहिंदा फट गिण किन्ने आ गुट्टियां 500 दी सुट्टियां नूं जाके तैनूं पैसे वापस कितने पैसे थे 10 लाख अब जो जो इसे तंग कर रहा था कहता ये भर 10 लाख रुपया चल जाओ उसको के कर कैसे परमेश्वर ने उस बंदे को डिवाइन हेल्पर बन के इसके लिए इस्तेमाल किया क्या किया परमेश्वर ने उस बंदे को कैसे इस्तेमाल किया पर कब किया ना ये बात कब परमेश्वर करता परमेश्वर तैयार है वो सबके लिए तैयार है पर जो अपनी बुद्धि अपना तरीका वचन जो परमेश्वर दे रहा है उसे पूरा नहीं कर रही तो वो इजरायलियों के जैसे फिर सफर करेंगे सफर क्या करेंगे सफर करेंगे अब देख लो अब कितने टाइम तू फिर तुझे क्या कहा भी तेरे लिए क्या वचन उन्होंने क्या कहा तू क्या करना है 10 लाख तो उसने दे दिया तेरे लिए हाँ जी बाबा जी अच्छा तो तेरी दुकान का जो तेरे हिस्से आती थी जो हम मेरे को हिस्से आते वो 2 दुकाना हम मेरे को ले मैं उन्होंने 5 लाख रुपया मतलब कि 2 लाख दे 3 लाख रुपया उन्होंने मैं देना तो वो तो हम 2 दुकाना हम मेरे को ले गए अब देख लो ये इसके पास आ गई एक ये एक के लिए परेशान था अब 2 इसके पास आ गई है अब कितने टाइम तुम उसका किराया नहीं देगा 3 साल पापा जी 3 साल उसका किराया भी नहीं देगा कितना किराया देता था मैं 2000 देता ही तो हूँ मैं किराया लिया करना बाबा जी पहले किराया देता था ये किराया उल्टा लेगा उनसे देख लो परमेश्वर कैसे बड़े काम करता है हाँ अब 3 साल का किराया ये लेगा ये खुद एक किस्म का ये मालिक बन गया और मैंने कहा बोलो क्या है अभी 5 लाख तूने देना है ना तो समझ लो तेरे और देकर 5 लाख भी ये सारी दुकानें तेरी हो जाएंगी yes, वो तुझसे एक ले रहा था तुझे खुदावंद उस 4 दुकानों का मालिक बना देगा 4 दुकानों पर ये कैसे हुआ ना सुनो ये कैसे हुआ जब वचन को पूरा किया क्या किया बोलो ये सब कुछ कैसे हुआ जब वचन को पूरा किया वचन घर बैठे कुछ नहीं होता मेहनत करने से होता है हाँ मैंने कहा घर बैठे कुछ नहीं होता जो लोग आज भी सोच रहे ना गर्मी बड़ी है हो सकता कई लोग गर्मी के कारण ना आ जाए होंगे बोलो क्या है हो सकता कोई ऑनलाइन अपने घर में आराम से कूलर एसी पंखे के सामने बैठकर सुनते होंगे चल कोई बात नहीं घर में सुनते हैं क्या सुनते हैं घर में बैठकर सुनते हैं परमेश्वर फल उन्हें देता है बोलो क्या है फल उन्हें देता है जो मेहनत करते हैं उसके वचन को पूरा करते इसने किया बोलो क्या है इसने वचन को पूरा किया आज खुदा ने देखो इसको मालिक बना दिया किराएदार को हाँ अब ये किराया ले आ करेगा और थोड़े समय बाद ये पूरे 4 दुकानों का खुदा तुझे मालिक बना देगा यस आमीन अब ये जितना भी 2024 अभी जितने महीने पड़े हैं ना प्रेयर में उसमें तूने आना है
ठीक है, वचन को पूरा करना है। खुदा तुझे बना चुका, वो सारी दुकानें तेरी खुद की होंगी यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। तारीफ करो। शॉप भी हो, पिक भी देखेंगे। हाँ, इसकी शॉप की पिक भी देखो। तो तारीफ कर दो। तेरे लिए मुहैया सदा करेगा, दोनों हाथों को उठा कर, चारे पासे पे आ चाहे काड होवेगा। तेरे लिए मुहैया सदा करेगा खुदा, चारे पासे पे आ चाहे काड होवेगा। Amen.